फर्स्ट क्वेश्चन इज 79, क्वेश्चन नंबर 79, हुज डाउट टू दिस? सर मेरा है। क्या दिक्कत है बेटा बताएं? सर आंसर टैली नहीं हो रहा। ये कोई डाउट नहीं होता बेटा? सर मतलब ऑप्शंस में उससे कोई भी एक ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। आपने क्या किया ये बताएं? सर वाई के टर्म्स में इक्वेशन लिखा और फिर सी के सब्स्टिट्यूट किया, ए एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन बाय एम आएगा, मतलब मुझे आया। क्या इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा स्लोप के टर्म्स में? ये इसका टेंजेंट है ना, तो इसका टेंजेंट आप कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट डाउन द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को, जल्दी देखो कुछ लिखा होगा आपने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई का इक्वेशन क्या होता था स्लोप एम के टर्म्स में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, वो तो आप पॉइंट फॉर्म में बता रहे हो, हम लोग तो स्लोप फॉर्म में लिखना चाहेंगे ना, वैसे भी लिख सकते हो बट लिखने का बोल। सर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, एम वन कर देता हूँ ना क्योंकि पहले से एक एम लिया हुआ है तो कंफ्यूजन ना। इज दिस ओके? यस सर। राइट, इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। राइट, सो दिस विल बी वाई इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम इन टू एक्स माइनस एन बाई एम। इज दिस ओके? यस सर। नाउ कंपेयर बोथ दिस। राइट, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, क्या दिक्कत जा रही है? अब दिक्कत नहीं जाएगी, श्योर हो? क्या गड़बड़ गई थी पहले ये बताएं। सर माइनस एन बाय एम इक्वल टू ए एम स्क्वायर आएगा ना अभी, या माइनस ए एम स्क्वायर आएगा, ए एम वन स्क्वायर। कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों का सेम है तो वन बाय वन इक्वेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों का एम वन बाय माइनस एल बाय एम होगा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म माइनस ए एम वन स्क्वायर अपॉन माइनस एन बाई एम होगा। राइट, एम वन की वैल्यू मेरे को मिल गई है माइनस एल बाई एम। राइट, इन दोनों से अगर मैं ले रहा हूं तो ए एम वन स्क्वायर की वैल्यू हो गई है एन बाई एम, एम वन की वैल्यू यहां रख देता हूं तो तुम्हारा आंसर आ गया, ए की वैल्यू भी वन बाई फोर है। नहीं? यस सर। Is this okay? Yes, sir. 81. Whose doubt is this? 81 किसका doubt है? एक मिनट नोट कर लो इसे जल्दी से बेटा। 81. Whose doubt is this? 81. सर 81 में मुझे doubt था कि second equation का क्या होगा? The locus of the foot of perpendicular drawn the tangent of the parabola from the focus. कौन सा second equation बेटा? हाँ? कौन सा सेकंड y is equal to a upon m, y is equal to a upon m, equation आया था the locus of foot of perpendicular drawn to the tangent of the parabola y square is equal to 4x from focuses। नहीं समझा मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, क्या बोलना चाह रहे हो? ये निकलने पहले सर मैंने जब सॉल्व किया था क्वेश्चन को तो मेरे को दो इक्वेशन मिले थे फाइनली, एक x is equal to 0 था, वो तो ऑप्शन में था, मैंने टिक कर दिया, और एक और सेकंड इक्वेशन मिला था y is equal to a by m। कैसे आया y is equal to a by m, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं आपको भेजू व्हाट्सएप पे? नहीं बोल के करें ना, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मंगवाऊंगा व्हाट्सएप पे। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा था उसमें x के कोऑर्डिनेट्स से x इज इक्वल टू जीरो वाला आया, और जब मैंने y पुट किया था, इक्वेट किया था लाइन के उससे इक्वेशन से, तब मेरे को y इज इक्वल टू a अपॉन m मिला था। देना बेटा, वो तो x टेंजेंट एट द वर्टेक्स ही होता है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, और आप जब m बोल रहे हो आपके पास m गिवन है क्या? y इज इक्वल टू a बाय m जो बोल रहे हो आप, क्या m आपके पास गिवन है? नहीं वो मैंने लिया था।
उसमें कैसे आप लोकस बताओगे, वो तो आपका लिया हुआ है, गिवन चीज में तो नहीं है ना, वो तो वेरिएबल है मतलब। हाँ भूल गया था, समझ गया सर। ये वैसे भी प्रॉपर्टी होती है जो 81 है ना, अगर फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो किसी भी टेंजेंट पे पैराबोला का, तो वो हमेशा टीएवी पर इंटरसेक्ट करेगा। टीएवी का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है सर। सबको क्लियर है ये? सर आपने लास्ट 81 सेंटेंस क्या बोला? सबको क्लियर है ये? नहीं सर, उसके पहले वो टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट टीएवी, टीएवी टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब ऐसा, देख रुको दिखाता। सर वो पता है आपने, पर वो सेंटेंस क्या बोला? एक मिनट अभी पूरा एक्सप्लेन कर देता। लेट दिस इज द पैराबोला राइट, लेट दिस इज द टेंजेंट राइट, लेट देयर इज अ फोकस राइट। फोकस से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पे राइट, सो दिस मस्ट इंटरसेक्ट एट टीएवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स से ही पास होगा। ये जो पॉइंट है वो हमेशा आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं यहां पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करता राइट, मतलब इससे परपेंडिकुलर होगा तो वो यहीं पर हो रहा होगा राइट। मान लो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ओके, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो भी यहीं पर राइट। तो ये जो पॉइंट है फोकस से, इफ आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट टू द पैराबोला दैट मस्ट इंटरसेक्ट टीएवी एंड वेयर दिस विल मेक द 90 डिग्री एंगल ओके ओके। सर एक लोकस बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। हाँ ये स्ट्रेट लाइन बन गया, लोकस बन गया, फिर ये सभी के सभी पॉइंट इसी पे आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि लाइक स्ट्रेट लाइन है राइट। ये प्रॉपर्टी है याद रखना है ना, क्वेश्चन में ही था 85। व्हाट्स डाउट इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट सर मेरा है पैराबोला, क्या दिक्कत है बेटा बोले? सर, वापस मैच नहीं कर रहा, मुझे 9x-20y+36=0 आया, आपने ऐसा कैसे, ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है कोई बात नहीं, आपने सॉल्व कैसे किया, थोड़ा मेरे को हेल्प करें। वेरी सर। a=9/4, गुड, फिर y y1=2ax+x1 किया क्यों किया, टेंजेंट सर, टेंजेंट पूछा ना। पूछा है कब, वो ऐसा टेंजेंट कब आप लेते हो, ये टेंजेंट जो लेते हो आप कब के लिए, ये कंडीशन आपको दिया गया था। टेंजेंट था y y1=2ax+x1, ये कब के लिए, ये टेंजेंट का इक्वेशन था। पॉइंट एक्स वन वाई वन उस समय क्या बोल रहा था, कहाँ होना था एक्स वन वाई वन को, सर पैराबोला पे होना चाहिए था ना। तो पी जो पॉइंट आपने 4,10 लिया है क्या वो पैराबोला पर है, आपने चेक किया y²-9x राइट, या y1² किया। अगर इसे मैं पुट करूंगा तो 100-36 जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट आउटसाइड आउटसाइड, आउटसाइड यस सर। कोई आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट से क्या होता है, आउटसाइड दो टैंजेंट दो टेंजेंट होने चाहिए, वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा जो आपने लगाया राइट। तो स्लोप एम के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता, ध्यान देख देना, पॉइंट आउटसाइड के लिए आप इक्वेशन लोगे वाई इज इक्वल टू mx+a/m, इज दिस ओके, वाई इज इक्वल टू mx+a/m, इज दिस ओके। यस सर। नाउ दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 10, 4,10 राइट, ए की वैल्यू 9/4 थी, ये लिख सकता हूं यस सर। राइट, तो ध्यान देके देखो, एक एम के लिए आपको क्वाड्रेटिक मिल गया,
ये जाएगा। हाँ सर राइट फैक्टराइज हो रहा है, एम की देखो तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है। एक तो 1/4 दिख ही रहा है, नहीं हाँ सर तो 9/4 राइट, दो वैल्यूज आ गई आपके पास राइट, दो इक्वेशन निकल गए आपको जो चाहिए थे। एक बार M1 डालूंगा, एक बार M2 डालूंगा। पॉइंट आउटसाइड के लिए आप ऐसा वर्क करते हो, सभी को क्लियर है ये? यस सर। क्या शिखर कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे? 85th सर, इसमें भी मुझको दो वैल्यूज मिले थे एम के ना, यहाँ पे भी हैं 1/4 और 9। कौन से क्वेश्चन में? 85 में। हाँ सर दोनों वैल्यूज होगी ना, दो टेंजेंट होंगे, तो एक बार एम को रख दो फिर दूसरी बार एम को रख दो, मतलब आपका इक्वेशन आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस 4a राइट, वाई इज इक्वल टू नाइन बाई फोर प्लस ए फोर बाई नाइन, ये लिख दिया दोनों इक्वेशन, ए की वैल्यू कुछ 9/4 से लिख दो, आ गया आंसर। हाँ सर, तो वो ऑप्शन में एक ही था तो मेरे को क्रॉस चेक करना था कि सेकंड वाला नहीं हो, कैंसल मनी नहीं है, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है ना। 85 के बाद है क्वेश्चन नंबर 86, हो डाउट दिस 86 किसका डाउट है? मेरा सर। सर मेरा भी है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, ध्यान से सुना ये 86 वाले जो क्वेश्चन है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बीच के एंगल्स, ये पूछने का रीजन क्या होता है और उसे सॉल्व कैसे करना होता है राइट। क्वेश्चन नंबर 86, एवरीवन केयरफुल। y square is equal to 4ax, ये पैराबोला है, एंड x square is equal to 32y, ये पैराबोला है राइट। अब दोनों पैराबोला जो हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक तो यहां पर कट कर रहे हैं एक्सिस पर ही, एक एंगल तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये बन रहा है जिसमें मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पर राइट। लेकिन दूसरा एक पॉइंट है ये जहां पर ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं राइट, टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो मैंने इस पर टेंजेंट लिया एक ये टेंजेंट आ जाएगा, दूसरे पर मैंने टेंजेंट लिया तो ये टेंजेंट आ जाएगा राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें थीटा निकालना है। सिचुएशन जो है क्वेश्चन का वो क्लियर है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, या जिसको बोलते हैं लाइक एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन। इफ द सिचुएशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। किसी को कंफ्यूजन, कोई पूछना चाहोगे? नहीं सर। ठीक, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन गिवन थे। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एंड सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y राइट एट पॉइंट 16.8 राइट। कहीं 16.8 वही तो पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? राइट तो पॉइंट गिवन है कर्व पर राइट, पॉइंट गिवन है कर्व पर एंड दोनों कर्व मेरे पास गिवन है, तो इसमें और इसमें मुझे दोनों के टेंजेंट निकालने और उनका बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, आप लोग हेल्प करो मेरे को। सर हम दोनों की इक्वेशंस लिख सकते हैं, सर दोनों की लाइन सर दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy/dx आ जाएगा और उस पॉइंट के लिए निकाल लेंगे स्लोप। फिर बातें मत करो, यहाँ पर तुम फंस जाओगे ना आदित्य।
फिर दोनों की इक्वेशन लिख के उनका स्लोप मिल जाएगा और फिर हम वो tan theta is equal to m1 minus m2 और 1 plus m1 m2 tangent की इक्वेशन कैसे लिखें सर स्लोप पॉइंट फॉर्म y1 is equal to 2x x plus x1 मैं चाह रहा था क्योंकि तो दोनों में ही पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व है तो मुझे यहाँ पर पॉइंट फॉर्म यूज करना चाहिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स वन और यहाँ पर एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 16 y प्लस वाई वन इज दिस ओके यहां मैंने रख दिया वैल्यूज 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 16 y मतलब स्लोप m1 की वैल्यू आ गई 1/4 यहां मैंने रख दिया x1 16 y की मतलब स्लोप m2 की वैल्यू आ गई 1 अच्छा सही है यस राइट tan थीटा ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला आप बहुत बार लिख चुके हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 राइट वैल्यूज रख दिया आराम से नोट करेंगे ध्यान से कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो शिखर हाँ सर समझ में आया योजित यस सर समझा सर अनय अनय पांडे ओके ओके सर मैंने जो बोला उसमें क्या गलत था गलत नहीं है बेटा बहुत सारी चीजें वो पढ़नी है वहां ना क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे ये भी हमें नहीं मालूम ना पूरा पढ़ने फिर यूज करना थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होगा पता ही नहीं चलेगा ना हाँ जी सर ओके डन एवरीवन यस सर आप सब लोग कर रहे हो 87 द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 किसका डाउट है ये 87 मेरा सर क्या मेरा मतलब क्यों पूछा आपने वही तो पूछ रहा हूं मैं सर वो जो इक्वेशन है पैराबोला का वो कैसे हो सकता है y इज इक्वल टू x का माइनस x कैसे हो सकता है इसका क्या ये रहा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कैसे करेंगे y is equal to ax square minus bx plus c के फॉर्म में अच्छा अच्छा हाँ वन है तो y की वैल्यू जीरो आ गई इस फॉर्म में चाहते हो x1 y1 के फॉर्म में आप चाहते हो y plus y1 by 2 is equal to x x1 minus x plus x1 by 2 is this okay Is this okay? सर समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या किया यहाँ पे टेंजेंट के फॉर्म में लिखना है तो वाई को हमें क्या लिखना चाहिए होता था अच्छा वाई प्लस वाई वन बाई टू हाँ समझा स्क्वायर को क्या लिखना होता था एक्स इंटू एक्स वन एक्स को क्या लिखना होता था एक्स प्लस एक्स वन बाई टू ये दोनों की वैल्यूज दी हुई है एक्स वन और वाई जीरो वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू क्या प्रॉब्लम इसमें सर वो इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रहा था अभी समझ गया किसी फॉर्म में हो उसके लिए वो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने लिखा ही नहीं है उसे हाँ सर ठीक है नोट करो जल्दी यस सर राइट क्वेश्चन नंबर 88 ये किसका डाउट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट
y square is equal to 4ax at the point t1 and t2. मतलब क्या है ये बना पैराबोला, एक t1 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया राइट, सिमिलरली एक t2 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया राइट, इससे जो पॉइंट मेरे पास p आया राइट वो निकालना है. ये हो गया ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू राइट. इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं. वेरी सिंपल, कैसे, इक्वेशन पी ए का एंड पी बी का निकालना है. पी ए का इक्वेशन टी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, इसमें किसी को कंफ्यूजन, टी टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर पी बी का इक्वेशन, दोनों को माइनस कर दिया एंड एक्स की वैल्यू ए टी वन टी टू. अगर आप ध्यान से देखो तो जो इंटरसेक्शन आपको आया वो आया ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू. और इसको और ध्यान से देखो तो देखो ये ज्योमेट्रिकल मीन है, ये अर्थमेटिकल मीन है इन दोनों पॉइंट का. याद रखना बेटा फोकल फोकल डिस्टेंस कि नहीं सर, क्या डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट है क्या था डेफिनेशन डबल ऑर्डिनेट का है सर, 80 स्क्वायर कॉमा 280 और 80 स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस 280 पैरामेट्रिक था बेटा, वो डबल ऑर्डिनेट नहीं था. डबल ऑर्डिनेट तो लाइन होता है परपेंडिकुलर टू द, हाँ सर वही मतलब इसका एंड पॉइंट का आपको मतलब सॉरी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना सर, फोकस से पास नहीं पर भी तक नहीं भी कर. कोई रिलेशन नहीं इसका ना, दूर दूर तक ये उसका मामा भांजा चाचा कुछ ना लगता बेटा, दोनों का कोई रिलेशन, दोनों कोई रिलेशन नहीं होता. एक ये अफ्रीका का जन्मा हुआ है, ये बेचारा इंडिया का जन्मा हुआ है, दोनों का कोई मामा भांजा कोई इधर उधर वाला कुछ नहीं है. ठीक है, जी एम एंड ए एम याद रखने में आपको आसानी होगा. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टैंजेंट्स. ओके सर रुक जाओ सर, एक काम बाकी. सर उसको माइनस ए ही क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा सॉरी सॉरी नहीं नहीं सर, अरे नहीं वो टी वन टी टू दिमाग में फोकल कॉर्ड ही आ रहा था तो वही पूछा माइनस ए क्यों नहीं लिखा उसने, सॉरी सर. ओके मैंने जानबूझ के कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आपको दिए थे. डन? यस सर. किसी का बचा तो नहीं है सर? क्वेश्चन नंबर 19 अभी करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन नोट करना है. हाँ सर हो गया सबका. क्वेश्चन नंबर 9090 ध्यान दो. 90 में क्या बोल रहा है कि ये एक पैराबोला है. इस पैराबोला की कहानी ऐसी है कि इस पर एक ये लाइन टेंजेंट है, इसमें एक और लाइन टेंजेंट है राइट, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है. इस पॉइंट का लोकस क्या होगा राइट,
पॉइंट का लोकस क्या होगा, जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होना चाहिए, राइट। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, राइट। कैसे आप चाहोगे समर्थ, आप बताओ आप कैसे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि यहां से अब हम लोग को थोड़ा सा ना क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना होता है उस पर बढ़ना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, ये लगा आपका हैश। हैश का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हर जगह पर आप इस फंडा को यूज कर सकते हो। क्या फंडा है? अगर आपको लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकालना हो तो राइट, राइट डाउन द इक्वेशन स्लो फॉर्म। इक्वेशन को आपको लिखना चाहिए स्लो फॉर्म में, राइट। अब स्लो फॉर्म में जो इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, वी नो दिस, हमें मालूम है कि इसमें इक्वेशन स्लो फॉर्म में आएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं। इज दिस ओके? यस सर, राइट। अब ये पॉइंट को मैंने h कॉमा k नाम दे दिया, तो दिस मस्ट पासेस टू द पॉइंट h कॉमा k, k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम, राइट। या ये हो गया एम स्क्वायर एच माइनस एम के प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, सही है। ये m के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, राइट, m के लिए ये क्वाड्रेटिक आ गई, राइट। मतलब क्या रहा, m के दो रूट्स होंगे, वो कौन है वो m, वो एक इसका स्लोप है जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ, और एक इसका स्लोप है जिसको मैं m2 बोल रहा हूँ, वही दो रूट्स हैं। और m1 m2 के बारे में क्या रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, 90 में बोल परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट m1 into m2 equals to 1, m1 m2 equal to क्या आता है 1 क्या स्पेशल है इस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो हमेशा ये ख्याल रखना है आपको, दिस ऑलवेज पासिस थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा, नोट डाउन प्लीज। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, एक शुरुआत किया हूं, लेकिन ये मैंने दिया आपको हैश के लिए। हैश का मतलब है आपको हर जगह पर यूज हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जहां मन है वहां यूज कीजिए, मस्त रही है। M1, M2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट होना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, C by A, यहाँ का C है A और A सर। दूसरा तरीका सर, वेरी गुड, हाँ सर, वो फिर डायरेक्टली वहां पर स्लोप डाल सकते हैं ना, सब आएगा बेटा, सब आएगा। अच्छा अच्छा सर, नहीं लेना है ना, सब पेंशन का काम है ये सर, जितना लेगा कम पेंशन उतना अच्छा से बनेगा बुढ़ापे का पेंशन। राइट, तो एक यहां से ये भी फंडा आपको आ गया क्या, कि अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो दैट मस्ट इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। Then
एक सेकेंड ये फर्स्ट मेथड है ना, इफ टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे विल इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स लाइन. ओके सीखा है? Yes, sir. तो चाइनीज क्यों लिखने लग गया? Sorry, sir, गलती से लिखा. चाइनीज आता है पक्का कुछ सर, गलती से चाइनीज लिख दिया सर. सर ई कॉमर्स चालू करेगा और वो भी चाइना से नहीं है, आधा से अधिक तो पक्का कुछ खाने का सर्च कर रहा होगा. क्या हुआ सर? कुछ खाने का सर्च कर रहा है वो. कौन? कर ये दो टेंजेंट है दोनों के बीच का एंगल. अरे प्यूस आ गया यार, अबान भी आ गया है, बता अबान का गेम खत्म हो गया लगता है. अबान कहाँ था? वान देखो कब से मैं खोज, लेट हो गया क्योंकि क्या एक्चुअली वो फास्ट चल रहा ना अभी, मैं उसके बाद सुबह उठने के बाद अभी सो गया था. कल तो ईद है, हैं? हाँ. क्या प्रोग्राम है ये बता, बुद्धू मत बना मेरे को मालूम है कल ईद का है, कैसे पार्टी दे रहा है वो बता. सर मुझे नहीं मालूम अभी. ये देखो इसका प्लान कैसे नहीं रखा रहेगा. बिरयानी तो सल्लू भाई ने भी पिक्चर निकाली है, कुछ तो चाहिए भाई. शाहरुख. अरे सर आपको मैं कैसे मिल जाता हर टाइम. अरे तो पॉपुलर है ब्रो एकदम. पीयूष उसको मत जगा सर, सोया हुआ है. हाँ सर बहुत बोलता है सर. सुजल के सारे दोस्त हैं सर, उसको पता है कौन सो रहा है पर जा रहा है. इक्वेशन ऑफ पीबी देखना ध्यान से, दूसरा मेथड है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी नो दैट दिस इज ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू. व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी ए? पी ए का स्लोप क्या है ध्यान से देखो तो यहाँ पे पी ए का स्लोप 1/T1 और दोनों क्या है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया? एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन. वन बाई टी वन इंटू वन बाई टू टू इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब आ गया आपके पास टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन. इज दिस ओके? टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड इट्स कमिंग एज, मतलब वाई तो वेरी कर रहा है बट एक्स मेरा फिक्स हो गया माइनस एट. आई बात समझ में? यहां से भी आपने टी वन टी टू से प्रूव कर लिया अपनी स्टेटमेंट. थोड़ा सा ऊपर का
डन यस सर ओके आगे बढ़ सकता हूं क्या? यस सर राइट, ये भी एक तरीका है। T1 T2 इज इक्वल टू माइनस वन आने का मतलब ये हुआ कि राइट परपेंडिकुलर है एंड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे। डायरेक्ट्रिक्स पुकाई पुकाई एक देखो वो भी दिखा देता हूँ। क्या सर? बहुत देर से कोई पुकाई पुकाई कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये समझना। क्या सर क्या बोल रहा है? पैराबोला है राइट। ये पी पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट क्यू लेता हूँ राइट। मान लेता हूँ फोकस यहां पर है ए कॉमा जीरो, फोकल कॉर्ड राइट। पी पॉइंट है ए टी वन स्क्वायर 281 280। ठीक है, राइट जल्दी से निकालो तो क्या कंडीशन आएगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, पी एस क्यू राइट। राइट डाउन, बोलना मत, जल्दी से चैट में लिखें T1, T2 में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू कि आप खुद से प्रूफ करें। आदित्य ध्रुव वेरी गुड। Samat, very good. Swasti, very good. Correct answer, correct answer. Bridge, very good. मैं शुरू करूं, हो गया तुम सबके? खेत कुछ लिख ले भाई। अमल शिखर सर एक मिनट कर रहा हूं। सानिया सर आई एम डूइंग इट। इतना टाइम थोड़ी लगेगा, क्या कर रही है जल्दी करो।
यस कोलिनियर के ट्रैप में मत आओ, पी और क्यू को लेते हुए लाइन लिखो राइट और उसे ए कॉमा जीरो से पास करा दो। कोलिनियर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट तो अब आप लोग पढ़ चुके हो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो 3x3 का। देवस वेरी गुड, टाइम अधिक लगाया लेकिन शुड आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं। इतना शांति क्यों है भाई? पी क्यू पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है, टू पॉइंट फॉर्मूला लगाया, वाई माइनस 281 इज इक्वल्स टू 281 माइनस 282 वाई टू माइनस वाई वन अपॉन ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर एक्स माइनस ए टी वन स्क्वायर राइट। कैंसिल कैंसिल, ए भी कैंसिल हो गया। वाई माइनस 281 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टी वन प्लस टी टू एक्स माइनस ए टी वन स्क्वायर राइट। दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा जीरो, 2 अपॉन टी वन प्लस टी टू एक्स ए माइनस ए टी वन स्क्वायर। 2 कैंसिल, ए भी कैंसिल कर देता हूं, माइनस ए कैंसल, टी वन, टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू ए कैंसल कर चुका हूं, वन माइनस टी वन स्क्वायर, माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टी वन टी टू इज इक्वल टू वन माइनस दस, टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन। फोकल कॉर्ड, व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस, लूप को भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है? एनीवन? अट्यूस? हाँ सर। पानी पी के बता, ठीक है, समझ आया? हाँ सर। राइट, अब आपकी बारी, क्या बारी आपकी? ये रिजल्ट आया, इससे भी टी वन टी टू माइनस वन आया, और ये रिजल्ट आया, इससे भी टी वन टी टू माइनस वन आया। राइट, दो हमने सिचुएशन लिए और दोनों से मेरे को टी वन टी टू माइनस वन मिला। एक बार फोकल कॉर्ड लिया तो भी, और एक बार हमने इस पर हमने टेंजेंट बनाते हुए वर्किंग करी तो भी, और वो जो टेंजेंट था वो 90 बन रहा है, फोकस ए कॉमा जीरो से भी पास कर रहा है, साथ ही साथ यहां
ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो थी उससे भी पास कर रहा है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या समझ सर? ये एक और लेटर सेलेक्टम होगा, बात कर रहा है। लेटर्स रेक्टम याद नहीं है, वो होना चाहिए हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, फिगर ही नहीं दिख रहा है वो। नहीं हाँ सर समझा। और कोई कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स अगर टेंजेंट्स बनाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा। और फर्स्ट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दैट ऑलवेज मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। ठीक है, पहले तो ये लिख लें, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं लेटस रेक्टम भी उसी में भी आ जाएगा ना, लेकिन लेटस रेक्टम ही नहीं होगा, उसके अलावा और भी केसेस हैं। फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड इफ यू विल ड्रॉ the tangent, they will intersect at directrix and mix an angle 90 degree with each other. First, beautiful concept. और क्या सर, अगर हम directrix पे से कोई point पे से दो perpendicular tangents बनाते तो focal coid के end points पे meet करेंगे। Very good. And vice versa. कि डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट से अगर मैंने perpendicular draw करते हुए दो tangent line बनाए, that will intersect the parabola at two point that always be the focal chord of the parabola. Right? तो आप समझ गए होंगे एक इतने से छोटी सी बातों से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। कंसेप्ट भी सबको क्लियर होगा। कोई कुछ पूछना चाहोगे? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, एंगल बिटवीन द कर्व। ये एंगल बिटवीन द कर्व, राइट, हैश लगाने का मतलब है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह पर यूज होगा। यहाँ हम लोग पैराबोला अभी थोड़ा लिमिटेड है, पैराबोला ही कर रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका, एंगल बिटवीन द कर्व, मान लो एक सर्कल है, राइट, एक पैराबोला उसे इंटरसेक्ट कर रहा है और मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल बिटवीन द कर्व क्या है। एक्चुअल में ये पूछना ये चाह रहा है, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एट द पॉइंट जहां भी, राइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पूछना चाह रहा है। दिस ओके? यस। काम कैसे करेंगे? काम करने का तरीका ये रहेगा, फर्स्ट
solve both the equations. दो कब रहेंगे तो both the equations to get the point. जब point मिल गया तो formula, point formula से दोनों tangent निकाला, आगे की जो working करते हैं वो working किया. Okay. नोट करके रखिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं. Yes. पूछना चाह रहे हो सर? अपने सॉल्व बोथ द इक्वेशन के बाद क्या बोला, सेकंड क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यू विल गेट द पॉइंट ना. हाँ, पॉइंट जाएगा. वो जो पॉइंट मिल गया उससे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि पॉइंट तो कर्व पर है. पॉइंट कर्व पर है तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो पॉइंट निकालेंगे ना सर, टेंजेंट दोनों को कंपेयर करेंगे. तो x x1 y y1 वाले फॉर्म से दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, उससे दोनों का स्लोप निकल जाएगा, देन यू विल गेट द m1 m2 और m1 m2 आ गया तो tan थीटा निकाल सकते हैं. ओके सर. स्लोप फॉर्म के पीछे क्यों पड़े हो यार आप लोग? जहां जरूरत है वहां लगाओगे ना स्लोप फॉर्म, ठीक है ना? सर नीचे भी सेम ही थीटा बनेगा, नहीं ना? ये सिमेट्रिक केस है, हो सकता है यहाँ बने, ये जरूरी नहीं है हमेशा बने. तो केस देखी लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई. फाइंड angle of intersection of the curve, right? Do it fast.
डन वेरी गुड वेरी गुड. फिगर बनाओ फिगर बनाओ. फिगर बनाना इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ. कोऑर्डिनेट है अभी दिखाता हूं. जस्ट अ सेकेंड. See, first draw y square is equal
टू फोर ए एक्स नहीं एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर राइट। एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, एक टेंजेंट ये बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, एक तो ये दिख ही गया। सेकंड दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करे तो व्हाट आई वाज सेइंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई राइट। तो एक्स या वाई दोनों में से एक की वैल्यूज निकालनी राइट। स्क्वायर किया सो आई एम गेटिंग वाई टू द पावर फोर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर राइट एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y 64y y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 राइट। y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4 तो ये वाले पॉइंट मेरे को 4.4 मिल गया राइट x और y। अब यहां पर टेंजेंट के इक्वेशन लिखने हैं दोनों के तो व्हाट आई सेड इसके लिए इक्वेशन आएगा x1, इसके लिए आएगा x x1 इज इक्वल टू 4 राइट 2 राइट y1 x1 4 4 दोनों स्लोप m1 हो गया 1/2 और m2 हो गया 2 m2 हो गया 2 राइट। देख ही गया होगा आपको tan theta 3/2 -half 1 plus 1 का mod 3/4 राइट एक 90 और दूसरा 3/4 दिस ओके यस सर यस सर सभी को क्लियर है ये यस सर। कितने लोगों का सही रहा कोई पूछना नहीं चाहेंगे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हुआ। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जब मैं बोलता हूँ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये ले रहे हैं लाइन राइट। वो दोनों इंटरसेक्ट वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कॉमन टेंजेंट की एक ही लाइन दोनों पर टेंजेंट बन रही होगी राइट। सो और ये जो फंडा है कॉमन टेंजेंट, ये फंडा को भी मैंने ये किया राइट। मतलब सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला हर एक के लिए ये काम करेगा। क्या काम करेगा मान लो मैंने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई राइट। दोनों के कॉमन टेंजेंट मुझे निकालने हैं तो ऑब्वियसली फिगर आपके पास है राइट एंड यहां से ये टेंजेंट की बात हो रही है दोनों पर जो टेंजेंट बन रहा है। तो बात एक बात बताओ ये जो टेंजेंट बन रहा है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? हाँ सर है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका टेंजेंसी यहां पर, इसका टेंजेंसी यहां पर, दोनों दो डिफरेंट है। स्लोप यस नहीं 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 और हाँ दोनों लोग अपना अपना बात को एक्सप्लेन कर दे प्लीज। एक हाँ हो गया एक नहीं हो गया 50-50 पर खेल रहे आप तो नहीं, मेरे साथ पे हाँ नहीं कुछ नहीं नहीं ये क्या नहीं नहीं हुआ हाँ नहीं कुछ तो बोलो हाँ हाँ स्लोप कॉमन कैसे होगा स्लोप तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। तो एक जो टेंजेंट बन रहा है वो फर्स्ट वाले जो कर्व को पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है और सेकंड वाले कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है, क्या दोनों स्लोप सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। तो दोनों में कॉमन क्या है? टेंजेंट टेंजेंट्स है और उसका स्लोप दोनों में सेम है राइट। अब दोनों का स्लोप सेम है तो व्हाट यू हैव टू डू आपको ये इक्वेशन दो बार लिखना है, एक बार इसके लिए स्लोप m के फॉर्म में टेंजेंट लिखूंगा, एक बार इसके बारे में लिखूंगा। पहले इसके लिए राइट क्या है, क्या आता है y इज इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस ए बाई एन, इस पर क्या होता था टेंजेंट? वाई इज इक्वल टू, हाँ सर, प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर, हाँ मतलब बी हो जाएगा, बी एम स्क्वायर, यही है ना, दोनों का y सेम है मतलब कोफिशियंट इक्वल होगा तो वन बाई वन हो गया, दोनों का कोफिशियंट ऑफ x सेम है तो यहां पर m बाई एम हो गया, दोनों का कांस्टेंट सेम है तो a बाई एम इज इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर हो गया, मतलब m क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस a बाई बी और m की वैल्यू हो गई माइनस a बाई बी टू दी पावर वन बाई थ्री, एम की वैल्यू दोनों में से किसी भी रख लीजिए आपको जो चाहिए वो आ गया आ गया आ गया, नोट डाउन प्लीज, कहीं कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, योजित यस सर, क्लियर है ये, क्या सर क्लियर है या ऑल क्लियर, सब क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं ना सर, सबके लिए मैं क्या बोलूं, तो सब साफ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया, नहीं सर समझ आया ना, प्रीवियस ये एक मिनट मैं प्रीवियस दिखा रहा हूं उसके बाद इस पे लाता, ये प्रीवियस देख लो पहले, एक 90 निकला था और एक निकला था tan inverse 3 by 4, अब ये देख लो एक बार कॉमन tangent, ओके नोट कर लिया सभी ने, यस सर, नहीं सर एक ना, इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल and parabola for x, do it.
वेरी गुड वेरी गुड। Let's start. ब्रज क्या क्या आपने बताया बेटा? समर्थ सर मैंने पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखा सर्कल के लिए और सर उसके बाद मैंने लाइन पैराबोला के लिए लिखा, दोनों को कंपेयर किया तो सेम का वैल्यू 1/√3 आ गया, प्लस माइनस 1/√3 और उसको में डाल दिया। समर्थ सर सर्कल के इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 4x सब्स्टिट्यूट कर दिया और x के दो वैल्यू से फिर टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। हमें तो वो चाहिए ही नहीं था बेटा, हमें तो चाहिए कॉमन टेंजेंट। ये दोनों को एकदम डिफरेंशिएट किया था हमने, ये कॉमन टेंजेंट है और ये आपने जो निकाला वो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो हमें क्या चाहिए था? ये दोनों के बीच में कॉमन, मतलब ऐसा वाला टेंजेंट चाहिए था या इधर ऊपर चाहिए था? सर नीचे वाला, वो तो आया ही नहीं ना, वो तो दोनों ही पॉइंट अलग अलग है, दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ हो रहे हैं, उससे मतलब ही नहीं रहेगा दोनों को। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट, तो हमने इसके लिए क्या देखा, कॉमन टेंजेंट के लिए क्या मैंने बोला करने को आपको, व्हाट यू हैव टू डू, दोनों के लिए स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। राइट, बताओ तो क्या होगा इसके लिए, y इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 3 प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल का, ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यस सर। सेकंड के लिए y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस a बाय m। इसको रीराइट करूं, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और इसे लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब दोनों इक्वेशन में हमारा y सेम है, mx सेम है, मतलब कांस्टेंट टर्म को सेम होना चाहिए। माइनस 3m प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय m। राइट, इसे मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एम प्लस 3m। राइट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, 9 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 9 एम स्क्वायर प्लस 6। राइट, यहां से मेरे को इक्वेशन में 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर 6। अब यहां से हमने 9m स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल किया, लेकिन हाईएस्ट डिग्री को जैसे कैंसिल किया तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू 1 बाई 0, एक 1 बाई 0 सिंबॉलिक है, मतलब एक जो इक्वेशन होगा जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रही होगी, y एक्सिस होगा वो टेंजेंट है। राइट, सेकंड 1 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3 एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। कॉमन टेंजेंट मेरे पास यहां पर आ रहे हैं, एक वाई एक्सिस और दो आ रहा है, एक आ रहा है 1 बाई रूट 3 के लिए और एक आ रहा है माइनस 1 बाई रूट 3 के लिए। राइट, पूरा नोट करें आराम से, कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज यू कैन डिस्कस, टेक योर टाइम। यस एम की वैल्यू कहां पर रखोगे
गया m की वैल्यू कहां पर रखनी है आपको सर y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाय n रखेंगे राइट पहले वाले के लिए m से डिवाइड कर देंगे राइट 1 बाय m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा नोट डाउन तो फिर एक और क्वेश्चन दूंगा हां और आराम से समझ के नोट करें Then anyone want to ask anything? Sir, अगर हम लोग जो m है राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई कर दे और उसको 1 बना दे तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 इक्वेशन बनेगा ना तो उसमें हमको यहाँ पे तीन रूट्स मिल गए तो फोर्थ रूट क्या होगा वो रिपीटेड रूट्स होगा बेटा 0 0 वाला क्या रिपीटेड रूट्स होगा 0 0 वाला अच्छा रिपीटेड रूट्स होंगे ठीक है सर ओके यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन डू किसी को अगर डाउट नहीं है सब लोग नोट कर चुके हो यस ना और यू Find common tangent to the parabolas y square is equal to 32x.
सबका होना चाहिए ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहलाएगा ये। ध्रुव वेरी गुड, समर्थ वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड, अनिया वेरी गुड, ओके सी। मैं यहां पर एक और आपको तरीका दिखाने जा रहा हूं, राइट। कभी कभी ऐसा होगा कि या तो आप फॉर्मूला भूल गए, या यहाँ तो दोनों पैराबोला दिया, एक पैराबोला दिया, दूसरा सर्कल दिया, सर्कल की जगह इलिप्स दे दिया, हाइपरबोला, या कोई भी रैंडम कर्व दे दिया, राइट। दोनों में से कोई एक आपको जैसे मालूम है, मालूम इसके लिए आपको मालूम है, तो आपने लिखा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, राइट। y is equal to mx plus a by m, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके लिख चुके हो आप लोग, देखना ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है, इस पर भी टेंजेंट होनी चाहिए, राइट। सेकंड वाले पर भी टेंजेंट होनी चाहिए, मींस अगर मैंने y की वैल्यू यहां रखी तो x square is equal to 108 mx plus 8 by m होगा, राइट, जो आ गया x square minus 108 m प्लस 8 इंटू 8 बाई एम इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसका डी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना चाहिए क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, तो एक्स की केवल एक वैल्यू होने का मतलब है डी को जीरो होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, राइट, इज इक्वल टू जीरो। 108 एक तो गायब हो ही गया है, राइट। एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस 32 बाई 108, राइट। एम की वैल्यू माइनस 2/3, यही आया होगा आप लोगों को दूसरे तरीके से। Yes, sir. एक ऐसा तरीका है बेटा जो हर जगह पर काम देगा, एग्जाम में हो सकता है आपको फॉर्मूला लिखने में हिच हो रहा हो, याद नहीं रह रहा हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो, राइट। अगर कुछ भी ऐसा है तो फर्स्ट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे, सेकंड वाले कर्व में उसको पुट करें, राइट, उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो करें, बहुत ही सिंपल तरीके से यू विल गेट द आंसर। होप सभी को समझ, राइट, कॉमन टेंजेंट के लिए ये मैंने बताया आपको, राइट। यस, कॉमन टेंजेंट के लिए भी बताया है, या कोई लाइन कर्व पर टेंजेंट हो तब के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन देके दिखाता हूं, इसे नोट करें।
ओके नोट कर लिया सभी ने, डन? यस। लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू टचेस द पैराबोला वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड लैम्डा। देखे तो वेरी गुड प्रची। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर इसे सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका आपके पास, अगर वाई की वैल्यू मैंने रखा 2 माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2, खत्म। इज दिस राइट? कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। यस सर। राइट, आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके बता दिया हूं, नो गड़बड़ प्लीज। राइट, डन एवरीवन? यस सर। राइट डन। कॉमन टेंजेंट टू y square is equal to 4x and xy is equal to 1. Common tangent. ओके, देखो क्या रहा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एंड इसे मैंने यहां पर डाल दिया, एक्स एम एक्स प्लस वन बाई एम इज इक्वल टू वन, एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एम इज इक्वल टू वन, एम स्क्वायर एम प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस वन बाई फोर टू द पावर वन बाई थ्री। ओके, एक अच्छा तरीका है ये, दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर, नोट कर ले। फोकल कॉर्ड हम लोगों ने आज देखा ना, ध्यान से देखना, ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फोकल कॉर्ड, राइट। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज पर फर्स्ट, ये पैराबोला, ये मैंने फोकल कॉर्ड लिया, फाइंड 1/SP + 1/SQ, इसकी वैल्यू चाहिए। सेकेंड सर आपने प्रॉपर्टी करवाई है, करवाई है ना, ये बस जल्दी से फिर से कर लो। टी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है, हाँ सर किया था, राइट। ST² = SP × SQ, राइट। थर्ड वो लिखाई दिया था, ये दोनों याद है सभी को सर, फर्स्ट वाले का 1/a, 1/, वेरी गुड, 1/a एकदम याद रखना। हाँ सर आपने एकदम इम्पोर्टेंट नोट लिखा। सेकंड वाले को आप ट्राई करोगे, उसके लिए दिया दोनों चीजें एक जगह पर रह जाए। ST² = SP × SQ, मतलब SP, ST and SQ are in GP. SP, इसी को बोलने का एक और तरीका हो जाएगा, ST and SQ are in GP.
डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 तक आपका होमवर्क है। 139 सर, टेस्ट में कॉमन टेंजेंट और जो हम लोग ने आज किया वो भी आएगा। हाँ, ये सब तो आउट करवाता है क्वेश्चन, तुम गलत बात। क्वेश्चन नंबर, रुको एक मैं हिंट दे ही देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हो 126 वो आएगा एग्जाम, वो नहीं। ओके 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 72 देखो, 72 क्वेश्चन नंबर। हाँ सर देखा देखा, पैराबोला का क्वेश्चन नहीं सर। दो क्वेश्चन बता दिए और 5-6 बता दो सर एग्जाम के लिए। अच्छा बता देता हूँ बेटा, 145, 147, 148 ये अभी नहीं पढ़ाया है। हाँ बहुत हेल्प हुआ सर, थैंक यू। आंखों में आंसू और तो बॉटल बैठ जाना उसमें करना चाहिए सर। क्या हेल्प किया भाई, बोल रहा आंखों में आंसू आ रहे तो गिलास बॉटल लेके बैठ जाना, पानी भरेंगे। हाँ ये तो हेल्प करो, ये क्या हुआ SPSPSQ 2 मिनट। ये वैसे है बहुत सिंपल से जाना चाहिए था। जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन आए ना जहां नहीं पता चल रहा हो कहां से किस तरह से बढ़ा जाए, उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि पी पॉइंट है 81² 281, क्यू पॉइंट है 82² 282, और ये है 81t2 81+t2 बस राइट, और ये है a,0 राइट। एस पी का लेंथ क्या था, a प्लस 81² एस क्यू का लेंथ क्या था, a प्लस 82² राइट, एस इंटू एस क्यू रह गया। एंड देखो तो अब एस टी स्क्वायर क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सीधा तो नहीं आ जा रहा, एस टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए वन माइनस टी वन टी टू द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी वन प्लस टी टू द होल स्क्वायर इज इन द अंडर रूट था तो स्क्वायर कर दिया, ये तो चलेगा राइट। ओपन अप कर लो, ए स्क्वायर आ गया 1 + t1² t2² + t1² + t2² ब्रेक करोगे तो दो पार्ट में यही जाएगा, ए वन प्लस टी वन स्क्वायर ए वन प्लस टी टू स्क्वायर एस पी इंटू एस क्यू आ गया। इसको ज्योमेट्रिकल सोच के देखना बहुत प्यारा आता है, लेकिन बाद में एग्जाम के बाद। ओके यस, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन में ये याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है कि ये मान लो तीन पॉइंट आपने ले लिया पैराबोला पर, इससे जो एरिया बना और ये जो हम लोगों ने एरिया बनाया राइट बाहर वाला, तो ये एरिया डेल वन, ये एरिया डेल टू. वो फिगर पे नहीं आ रहा होगा शायद, बट सेम होगा सर, डेल वन डेल टू डबल हो जाता, अंदर वाला बड़ा होता जो होता है ना, डबल हो जाता है जस्ट राइट. अंदर का एरिया डबल कहलाता है, मतलब डबल हो जाता है, याद रखना. डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके, मैंने अभी बता दिया है ना, इसको प्रूव करके भी मैं दिखाऊंगा. ओके आज के लिए ज्योमेट्रिकली भी प्रूव हो गया वाला, एसटीएसक्यू वाला ना. हां सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अब वो पता चल ही रहा है, एसटी स्क्वायर वाला है, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल वहां से निकालने. अब सिमिलरिटी में देखना, एंगल बड़े प्यारे प्यारे एंगल मिलते हैं ना. आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा कि 6 o'clock मेरी दूसरी क्लास है, बट फिर भी आप तो कोई पूछना चाहो कुछ तो यू कैन आस्क. सर होमवर्क कहां तक बोला?